मुकेश भाकर जी, मुकेश भाकर नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर, जो कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा और नागौर जिला प्रशासन हो, चाहे मेरे उपखंड प्रशासन हो, जो कार्य पिछले समय में रहा वो बहुत ही सराहनीय है। और लोग बागों को जो जिस तरीके से ये था कि प्रशासन का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से जो उपखंड अधिकारी है, जिला प्रशासन है, किस तरीके से काम करेंगे, तो उसमें जो प्रशासन का जो काम है, चाहे पुलिसकर्मी से लेकर नर्सिंग स्टाफ हो, जिला कलेक्टर से लेकर SDM हो, हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नागौर जिले में पूरी बखूबी से निभाई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर, लाडनू में 6 केस इससे पहले आए थे, लेकिन आज खुशी की बात है कि 6 नेगेटिव हो गए हैं, तो अभी मेरे उपखंड पर, मेरी विधानसभा में अभी एक भी केस नहीं है। लेकिन सर, नागौर जिला रेड जोन घोषित हो चुका है, क्योंकि आज बासनी में, नागौर के बासनी में तीसरी मौत भी आज कोरोना से हो चुकी है। तो एक कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जिले में से नागौर है। तो मैंने आपसे पहले भी एक मांग करी थी, उसका लेटर का जवाब भी आपका वापस आया था कि जो स्वास्थ्य हमारे जो मंत्री हैं रघु शर्मा जी, उनको वो फॉरवर्ड कर दिया है। अगर यहाँ एक सैंपल मशीन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ से सैंपल ले अजमेर या फिर बीकानेर भेजना पड़ता है। जिनका नागौर में नागौर में टेस्टिंग फैसिलिटी हम शुरू कर रहे हैं, मेघनगर में सब जगह होगी। ठीक है, बैठे अगर सैम डे और या थोड़ी रिपोर्ट जल्दी आएगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए और मजबूत हो पाएंगे। साथ ही हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं कि गांवों को इस कोरोना से बचाना है, क्योंकि शहरों में तो ये व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जो PSC और CSC है, वहां हम अगर स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, तो मेरे हिसाब से इस लड़ाई से हम अच्छे से जीत पाएंगे। और साथ ही जो बाहर से प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं, उनको जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, मेरे यहाँ एक एक गांव में 200 200 300 लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर होम क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हम अगर प्रॉपर तरीके से प्रशासन इस पर काम करके और इसको अगर सुविधाजनक बनाए, तो मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही प्रवासी जो मजदूरों की परेशानी थी पिछले कुछ समय में, 10-15 दिन में तो ऐसे लगने लग गया था कि कोरोना से बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने प्रवासियों की हो चुकी है, क्योंकि मेरे यहाँ के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, यहाँ बहुत लोग रह रहे हैं, और पूरे दिन में कम से कम हर एक सेकंड पर एक फोन था कि हम लोगों को कैसे वापस लाया जाएगा। उन लोगों में एक जो भय था, तो शायद कुछ ट्रेनें स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही जिला कलेक्टर जो है, उनको आप आदेश दें कि जो लोग खुद की बस या गाड़ी से जो आना चाहते हैं बाहर से, उन लोगों की थोड़ी परमिशन अगर सुविधाजनक हो जाए। अब हो गया, हो अब कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। खाली बिहार और बंगाल, आसाम, उन प्रॉब्लम हल कर रहे हैं, बाकी लोग एग्री हो गए। अब तो वो सुविधा ठीक रहेगी। एक साथ गर्मी का समय आ रखा है, और नागौर और ये हमें सूखा क्षेत्र है, तो इस समय बहुत सारी समस्या लोगों के सामने आती है। रमजान का समय भी चल रहा है, लोग अपने घरों में, माइनॉरिटी एरिया काफी यहाँ नागौर में, और जो ग्रामीण एरिया पानी की समस्या बहुत रहती है, तो उसको समय रहते हम लोग अगर पूरी तरीके से ठीक कर पाए, तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वापस सरकार का, प्रशासन का, जिन्होंने इस संकट काल में, जब हर आदमी समय शुरू में डरा हुआ था, उस समय बहुत अच्छा काम पूरे राजस्थान में, नागौर में, लाडनू में हुआ है। धन्यवाद भैया।